सो हे गेमर्स, वेलकम टू रीजनरेशन गेमिंग। मैं ध्रुव, आप सभी का स्वागत करता हूँ रीजनरेशन गेमिंग की ब्रांड न्यू वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होगे। सो गाइस, आज हम एक नया गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है सिम सिटी बिल्ड इट। सो गाइस, बेसिकली इस गेम में हमें सिटी को बिल्ड करना है। सो देखते काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना। इस तरह के कॉन्टेंट आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो भाई लोग, गेम तो स्टार्ट हो चुका है और ये रहा उसका कुछ मैप टाइप से। ये मैप है क्या है? ओके, सो यहाँ पे एक लेडी है, ये बोल रही है कि इसका नाम एवा है और ये सिटी की एडवाइजर है और हमें बताया कि हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमें एक हाईवे बनाना है, तो चलिए हाईवे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 लेन रोड रहेगी। इसको कैसे करना है मुझे कुछ आइडिया। अच्छा, फिंगर से ऐसे करना था, मैंने कर दिया है। अब इसको टिक करते हैं और यहाँ पे रोड बनना शायद से अब चालू हो जाएगा। ओके गाइस, तो हमारी रोड कंप्लीट हो चुकी है। अब ये कह रहा है कि हमें हाउस लगाने हैं। सो ये रेजिडेंशियल जोन है, उस पर हमें लगाना है। तो भाई लोग, लगभग ये जोन पे मुझे जाके यहाँ पे टिक करना। ओके, तो ये प्लेस होके ये बिल्ड होना चालू हो चुका है। तो मैंने फर्स्ट ही एक हाउस घर बना लिया है। अब आगे क्या करना है, इसको टिक का ऑप्शन आ रहा है। ओके, इसको क्या करना है समझ नहीं, पढ़ते हैं। चलो, द जोन इज रेडी फॉर कनेक्शन। नहीं समझ रहा यार, शायद से मुझे क्या करना है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। इस दिल्ली से कुछ तो करना। ओके, यहाँ पे ये साल उठा के, ओ भाई साहब, तो यहाँ पे मेटल चाहिए था। ओके, सो मेटल हमने दे दिया है और वहाँ पे वो बिल्ड होना भी चालू हो गया है। अब हमें कुछ तो एक्सपीरियंस मिला है शायद, नहीं नहीं बंदे मिले जो यहाँ पे रहने आए हैं। ओके, ये एक अच्छी बात है कि यार हमारे शहर में लोग रहने आ गए हैं। और ये यार सेलिब्रेशन की बात तो थी, बट बाकी अब हमें आगे क्या करना है। हमें एक इंडस्ट्री डाल, नहीं नहीं ये एक, ओके तो ये एक मॉल टाइप में होगा। बिल्डिंग सप्लाई, मतलब ऐसा ही कुछ सप्लाई स्टोर, बिल्डिंग सप्लाई स्टोर, मतलब कुछ आइडिया नहीं कि अभी क्या है, बट देखते हैं। सो यहाँ पे ये नेल मैंने यहाँ पे रख दिया, तो नेल बनने लगा है। शायद जो इक्विपमेंट होते हैं ना, जो घर को बनाने के लिए चाहिए होते हैं, वो शायद ही प्रोवाइड करेगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ पे वर्कर्स भी हमें मिल चुके हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। जो हमें एक और रेसिडेंशियल जोन बनाते हैं। चलो यहीं पे ये बिल्ड होना चालू हो चुका है। सो ये एक अच्छी बात है। और ये भी क्राफ्ट हाउस के साथ हमें इसमें नेल डालना है। ओके, तो अब ये नेल डाली और ये पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा और हमारे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल गया। और यहाँ पे अभी लोग तो रहने नहीं आए, देखते हैं। ओके, तो 52 और लोग आ गए, यानी हमारे सिटी में 104 लोग रह रहे हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे लाइट्स नहीं है। ओके, तो इस लड़की को यहाँ पे अंधेरा लग रहा है, तो हम यहाँ पे पावर्स लेते हैं और एक विंड पावर प्लांट को प्लेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेस करने, मैं एकदम लास्ट में प्लेस करूँगा ताकि किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि मतलब बीच में शहर में अगर विंड प्लांट होगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होता है। तो मैंने लास्ट में एकदम प्लेस कर दिया। सो आई थॉट अब बिजली मिल जाएगी। ओके, इस लड़के की शिकायत ख़त्म हो चुकी है और हमारे शहर में अब बिजली भी आ चुकी है। सो यू नीड टू मैरी। ओके, सो हमें एक स्मॉल फैक्ट्री लगानी पड़ेगी जिसमें हम मतलब कुछ प्रोड्यूस कर सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, तभी एक सिटी कहलाती है एक्चुअल में। बट ये बाहर होना चाहिए, कोई बात नहीं, जैसा गेम कहेगा वैसा ही कर सकते हैं हम। अभी फिलहाल अपने आप अपने हिसाब से हम कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। जो कि इस गेम में कस्टमाइजेशन करने को कहा जाएगा, हमको वही करना पड़ेगा। बाकी हमारा यहाँ पे आयरन तैयार हो चुका, तो हम इसको ले लेते हैं। ऐसे आयरन ही कहेंगे, कुछ और कहेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी देखते हैं आगे चल के क्या होता है। सो हमने यहाँ से इसे कलेक्ट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे हमें शायद अब इसको लगाना है। ओके, तो मैंने इसको लगा दिया, तो शायद अब ये अपग्रेड होना स्टार्ट हो गया है, तो जो कि एक अच्छी बात है। और हमारा लेवल अप भी होने वाला है थोड़ा, क्योंकि सेकेंड लेवल के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। और हमारे शहर में भी शायद तैयार होने के बाद और भी ज़्यादा लोग रहने आ जाएंगे। बाकी एक 52 लोग और आ चुके हैं और हमारे अब 156 लोग हमारे शहर में रह रहे हैं। ओके, तो इस बंदे को नहाना है और हमारे शहर में पानी नहीं, तो हमें एक बेसिक वाटर टावर लगाना पड़ेगा, मतलब इससे पानी सप्लाई हो सके, जो सप्लाई वाला घर में हमारे पानी आता है। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, हमने लगा दिया और इसकी प्रॉब्लम जो है एकदम से खत्म हो चुकी है। सो गाइस, यहाँ पे एक डैनियल नाम का आदमी आया है और ये हमें अपनी शहर घुमाना चाहता है। तो चलिए हम इसके शहर में चल के देखते हैं कि इसका शहर कैसा है। तो भाई लोग, चलो इसमें हम इसको यहाँ पे एंटर करते हैं और इसके शहर में चल के देखते हैं क्या क्या इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शहर में भी होनी चाहिए। सो इसका शहर चलो देखते हैं। ओ माय गॉड, इट्स भाई ये तो पेरिस वगैरह सब लग रहा है, क्या ये शहर है। सो ये कह रहा है कि हमें अपनी शहर को
अगर ग्रो करना है तो अगर उसमें कुछ भी चाहिए होगा तो हम यहाँ से खरीद सकते हैं, वो तो खरीदेंगे। बट लिटरली इसका शहर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हम इससे अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। सो देखते हैं आगे क्या चलता है। कि मैंने यहाँ पे खरीद लिया है दोनों चीज़ों को, तो यहाँ मैंने खरीद लिया। अब चलो चलते हैं अपने वापस शहर में। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बाकी हमें शुक्रिया कह रहा है क्योंकि हम यहाँ पे आए थे, बाकी हम अपने वापस से अपने शहर में आ चुके हैं। और ये कह रही है कि हमारे नए नाम कुछ, तो मैंने बिली बुट्स वहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ तो मैंने उसको ही सेलेक्ट कर दिया। मुझे कुछ नया आइडिया आ नहीं रहा था। बाकी हमें गवर्नमेंट बिल्डिंग यहाँ पे बनानी, टाउन हॉल जिसे हम कहते हैं, सो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ तो ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। बाकी गाइज मैंने थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन और किए, बाकी आज मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की और हमारी सिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, और भी भला करेंगे। बट गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, अगर इसका कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी और गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।